वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जल्द ही यूरोप और अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आइंदा चंद दिनों में यूरोप और अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक हफ़्ते कबल एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म जल्द ही यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। और अब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आज़म के आइंदा दौरा के दौरान उनके हमराह वो जाएंगे जिसमें सऊदी अरब का दौरा किया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ते हफ़्ते सऊदी सफ़ीर की जानिब से भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सऊदी अरब के दौरे की कन्फर्मेशन दी गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोरोना शिकार हुए तो इसके बाद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की खैरियत मालूम करने के लिए उन्हें फ़ोन कॉल की गई और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सऊदी एमबीएस की जानिब से सऊदी अरब के दौरे की दावत दी गई। इस दावत को इमरान ख़ान ने कबूल कर लिया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि रमज़ान के दौरान ही या ईद के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब का दौरा करेंगे और इसकी तारीख का हतमी ऐलान बाद में किया जाएगा। जबकि अब वज़ीर दाखिला की जानिब से यह खबर भी सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान यूरोप और अमेरिका का भी जल्द दौरा करने वाले हैं और अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इमरान ख़ान यूरोप के दौरे के दौरान भी नामूस रिसालत और गुस्ताखी के मामलों पर बात करेंगे और यूरोपीय यूनियन को इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों के कितना करीब है और मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, लिहाजा उनकी शान में गुस्ताखी ना की जाए। इससे मुसलमानों के जज्बात को उभारा जाता है जिससे पुरतशद्दुद रवैये उभरते हैं।